प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने भी कहा कि ये सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। अब कांग्रेस तो निरंतर आलोचना करती, कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि राम जी अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे, कांग्रेस की बात क्या मान जाए। और उन्होंने बकायदा इनके खिलाफ बागेश्वर धाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। मैं बात कह रहा हूँ, मैं तो उत्तर यही दूंगा, कट लगे तो लगे, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे भूखे हजार। कांग्रेस के नेता भी बड़ी आलोचना, तब ना उत्तर दूं मैं। जो कृपा महाराज जी, आपका बयान आया कि भोपाल का नाम बदलना चाहिए, बिल्कुल, इसलिए कि सब पुराने नाम बदले जा रहे हैं मुसलमानों के द्वारा दिए हुए। जैसे हमने फैजाबाद को अयोध्या किया, इलाहाबाद को प्रयाग किया, इसी प्रकार भोपाल का कोई अर्थ ही नहीं होता, इसका नाम पहले भोजपाल था, तब भोजपाल किया जाए। महाराज जी, बाबा रामदेव जी ने तारीफ की थी बागेश्वर धाम बाबा की आपके सामने, और उनको एक चमत्कारी बाबा बताया है, आपकी नजर में क्या, आपके पहले तो ये बताइए कि शिष्य है किस तरह से है? हाँ, वो तो मेरे शिष्य है, मुझे उस बालक ने मुझसे ही राम मंत्र की दीक्षा ली है। अच्छा, तो क्या चमत्कार करते हैं, दिव्य शक्ति है उनके पास, या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने नहीं, सनातन धर्म को आगे काम अच्छा लड़का कर रहा है, कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं उनकी। तो देखिए, अच्छा काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या करिएगा। महाराज जी, क्या लगता है कोई शक्ति है कि शिष्यों के बयान आ रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, राजीव को बहुत प्रेम करता था मैं, राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं, अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी, अरे वो तो ही पप्पू। अच्छा, ये जो कथा करने नहीं आऊंगा। अच्छा, क्यों मेरी सुन जाए, क्योंकि भोपाल को भोजपाल करने को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों जगह का ही अंतर पड़ रहा है। जब हम सोचिए कि हम फैजाबाद को हम अयोध्या कर सकते हैं, कितना कितना बड़ा अंतर है बताओ आप। वो प्रयाग, इलाहाबाद को हम प्रयाग कर सकते हैं, होशंगाबाद को हम नर्मदा नगर कर सकते हैं, तो भोपाल को भोजपाल क्यों नहीं कर सकते हैं? महाराज जी, से हो क्या जाएगा, इसे नाम बदलेगा, नाम बदलेगा, इससे महाराज भोज की पराक्रम का अनुभव होगा। महाराज जी, बहुत लोग कथाएं कर रहे हैं, जगह जगह कथाएं हो रही हैं, मगर उन कथाओं में अधिकतर कथावाचक पॉलिटिकल बातें ज्यादा करते हैं, आप इसको किस रूप में लेते हैं? पॉलिटिकल बातें, कहीं कहीं हिंदू, कहीं मोदी, मैं स्वयं करता हूँ। अब मुझ पर आप क्या किसी हम नहीं 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 मैं सुनने, हाँ मेरी बात तो सुनिए, लेट मी से आफ्टर दैट यू कैन पुट अप क्वेश्चन, लेट मी से। ऐसा है, मैं तो श्री राम कथा, हाँ मेरी बात सुनी जाए, और जितना मैं बोलूँ आपको छापना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर भी FIR करूँगा। मैं तो राम कथा को राष्ट्र कथा से अलग नहीं, अलग मानता नहीं। अब मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने राम जन्मभूमि पर बयान भी दिया था, आप जानते ही हैं, मेरे बयान ने दिशा बदल दी थी और दशा भी बदल दी थी, पूरी ने पूरा निर्णय पलट गया वहाँ का। और अभी POK के संबंध में ही मैंने अभी मैं आ रहा हूँ, 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ करके सारासर राजस्थान में, उसका एक ही संकल्प, अखंड हमारा भारत अखंड हो जाए। तो अखंड भारत की अखंडता तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, भारत अखंड हो, हमारा कश्मीर हमको मिल जाए, पाक अधिकृत कश्मीर, 370 हमारी गई ही, 35 से गया ही, ट्रिपल तलाक गया ही, तो अच्छी बातों को उजागर करना मुझे तो नहीं लगता कि राजनीतिक है। लेकिन नहीं, ये किसने कह दिया
यदि वो हमको किसी ने मुझे लिखित दिया हो तब ना। अब मुझे एक आश्चर्य है, लोग राम को राम जी को राष्ट्र से अलग क्यों मान रहे हैं जी। मैं और बोलूँ और एक बात और बोलूँ, और जो श्री राम को राष्ट्र से अलग मान रहे हों उनको मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।